की बातें हमारे साथ करें। थैंक यू वेरी मच जेंटलमैन फॉर बीइंग ऑन स्टेज। गुलाम भाई, द माइक इज ऑल योर्स। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब मौजूद ग्रामी जितने भी दोस्त अब आप बैठे हैं, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप बड़ा कीमती टाइम निकाल के आए हैं। उस जात का शुक्र गुजार हूँ जिसने मुझे इस काबिल बनाया और आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। मलिक साहब से मेरी बात हुई थी, आरफ मलिक साहब से, कि कश्मीर की जब बात आई है तो मुझे ईमानदारी की बात है KPL का नहीं पता था। जब कश्मीर का नाम आया तो उस वक्त मैंने बिल्कुल बगैर सोचे हाँ कर दी। और हमारा एहसान नहीं है कश्मीर पे, हमारा हक बनता है, हमारा फर्ज बनता है कि ये तो कुछ नहीं, हमारी तो जान भी आ जा रहा है इंशाल्लाह कश्मीर। क्या बात है। मेरी ये गुजारिश है कि मुल्क की खैर मांगें, मुल्क है तो हम सब कुछ हैं, तो कोशिश करें कि पॉजिटिव मैसेज दें, जितना भी हो सकता है अमन पे तवज्जो दें, ईमानदारी पे तवज्जो दें, खुदा के लिए ईमानदारी पे तवज्जो दें, बेईमानी से बचें। ईमानदारी बहुत बड़ी ताकत है। अगर आज मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मुझे बड़े लॉसेज आए, अल्लाह जानता है मैंने ईमानदारी नहीं छोड़ी। हम बहुत बड़ी कौम है, बहुत बड़ी कौम है, लेकिन हम अपनी आपकी जो वक़्त है वो नहीं समझ पा रहे। मुसलमान कौम बहुत बड़ी कौम है, लेकिन बात यह है कि तफरकों से बचें, इत्फाक में रहें। इत्फाक में बड़ी ताकत है, ईमानदारी में ताकत है। जहां भी काम करें, जिस इदारे में, जिस ऑफिस में, जिस मुल्क में, लॉयलिटी से काम करें। लॉयलिटी जो है बहुत बड़ी काम वाली चीज है, बहुत बड़ी काम वाली चीज है। आज मैं अगर कामयाबी समझता हूं, अगर मेरे अंदर ईमानदारी, अगर मेरे अंदर इंसाफ नहीं है, तो ईमानदारी की बात कहता हूं, मुझे कोई शौक नहीं है ऐसी इस जगह पर ठहरने का, इतना बड़ा नाम लेने का। तो बाकी ये बात है खेल की, तो सब जितने ऑनर हैं KPL में, सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। KPL को स्पेशल जो इन्होंने हमें इस कश्मीर का खिदमत का मौका दिया है, तो सब मलिक साहब हैं, शहजाद साहब हैं, सारी टीम है, स्पेशली मैं अपनी टीम के लिए भी पिंक लगाऊंगा क्योंकि बड़ी मेहनत है और उन्होंने मुझे गाइड करते रहे, मुझे नहीं पता था। तो लाला जी के लिए भी स्पेशली, क्योंकि रौनक है हमारी, तो जब शायद अफरीदी साहब आए ना मैदान में हमारा साथ आए, तो एक हौसला मिलता है ना इंसान को, तो आगे बढ़ता है, लेकिन हौसला जो ईमानदारी का मिलता है ना, तो बहुत आगे निकल जाता है। मेरा एक ही मकसद है आप लोगों से, आप भाइयों से, सबसे, जो जो मुझे सुन रहे हैं, जो दुनिया में सुन रहे हैं, खुदारा ईमानदारी ना छोड़िएगा। हमें कुछ नहीं मिलना आखरत में सिवाय ईमानदारी, हमारा यही एसेट है। क्या बात, ये हमारा एसेट है, इसने हमारे साथ जाना, कोई बिल्डिंग ने नहीं जाना। हम भी कोशिश करेंगे ईमानदारी से किंगडम वैली कश्मीर पे KPL करें जी। मेरा तो पहला पॉजिटिव मैसेज आपको पहले ही दे दिया, इंशाल्लाह होगा, हम आप पे तवक्को भी रखते हैं, इंशाल्लाह ऐसा ही चलता रहेगा। बाकी किंगडम वैली की बात हो रही है, तो किंगडम वैली में आज ये इखलाक कर मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि सर्च करें, NOC है, और मैंने आज से ये तहिया कर लिया कि मुझे एक मरला भी दो नंबर मिला ना जमीन तो मैं नहीं लूंगा, चाहे कुछ का कुछ हो जाए। शर्ट साइन शर्ट प्रेजेंट करना चाहते हैं आरिफ भाई आपको, प्लीज कैन वी हैव द शर्ट ओवर हियर। हम सर यही रहेंगे, इसी के साथ साथ मैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कश्मीर प्रीमियर लीग को यहाँ दावत देना चाहूंगा, चौधरी शहजाद अख्तर साहब को, प्लीज कम ओवर हियर एंड प्रेजेंट द शील्ड टू द चेयरमैन किंगडम वैली, गुलाम हुसैन शाहिद साहब, प्लीज वंस अगेन।